हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का हलवा। सो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 4 उबले हुए आलू और 1 कटोरी चीनी। चलिए तो हम शुरू करते हैं। हम आलू को मैश करने से पहले कढ़ाई में 2 सर्विंग स्पून घी डालेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, जिससे ये गर्म हो जाए और इतने हम अपने आलूओं को मैश करेंगे। जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम रखना। सो स्टार्ट करते हैं। इन्हें हमें अच्छे से मैश कर लेना है। हम मैशर का यूज कर रहे हैं, आप कद्दूकस भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास वो ना हो तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। अभी अच्छे से हो चुके हैं और हमारा ये जो देसी घी है वो भी गर्म हो चुका है। अब हम इन मैश किए हुए आलूओं को इस कढ़ाई में डालेंगे। अब हमें इसमें 1 कटोरी चीनी डालनी है। अब हमें इसे तब तक चलाना है जब तक कि ये हल्का पिंक ना हो जाए और चीनी मेल्ट ना हो जाए। देखिए अब चीनी मेल्ट होने लगी है। अब धीरे धीरे चीनी मेल्ट भी होने लगी है और ये हल्का हल्का पिंकिश कलर भी लेने लगे हैं। हम इसे व्रत में खा सकते हैं। ये बहुत ही इंस्टेंट बन जाता है, ऑलमोस्ट ये बनने ही वाला है। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अभी बिल्कुल तैयार हो ही गया है। अब हमें फ्लेम को बंद कर देना है और थोड़ी देर इसे चलाइए, ये रेडी हो जाएगा। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अब आप इससे ड्राई फ्रूट से भी इसे सर्व कर सकते हैं। हमारे पास वो नहीं है तो हमने इसके लिए कसा हुआ गोला लिया है।
आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप बादाम, काजू, किशमिश कुछ भी डाल सकते हैं। सो अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। सो गर्मा गर्म खाइए। एंड इफ यू लाइक दिस प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।